खेलते खेलते उनके आपस में तकरार हुआ, लड़ पड़े हैं, लेकिन उनके जो बाकी जो लोग हैं उनके बडेरे बड़े लोग वो आए हैं, उन सब ने उनको मारना शुरू किया है। और उनके एक उधर रिश्तेदार थे, उन्होंने पनाह ली है, लेकिन उनके घर जाकर उनको डंडों से मारा, पीटा और उनके दरवाजे तक तोड़ दिया उनको थोड़ा, और बीबियों को बहुत बुरा बड़ा गालियाँ दी हैं, यहाँ तक के वो आज तक उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि सारा कुछ अठारह बम्बा वाले का अमल कर रही है, लेकिन पुलिस उल्टा इनको डांट रही है, और पुलिस उनसे पैसे लिए हुए हैं, और जैसा कुछ उनकी सियासी पना भी है। हमारा मतलब ये कि जो मुल्ज़िम है उनको पकड़ा जाए और हमारा हमें इंसाफ मिले। ये जो भोला मूसा के मुल्ज़िम है, इन्होंने सिंधावाला के मेरे भाइयों को मारा हुआ है, टांगे और बाजू तोड़े हुए हैं, लेकिन ये इनको पुलिस पकड़ नहीं रही, उनके साथ मिली हुई है। हमारी सीनियर और आला अफिसरान से गुजारिश है गुंडों को पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये लोग हमें बहुत ज्यादा धमकियां दे रहे हैं कि आपके बच्चों को उठा लेंगे। एक माह हो गया, FIR हुई हुई है और उनको किसी ने पूछा तक नहीं, आज तक पुलिस ने एक रेट तक नहीं उनके घर किया। हमारी गुजारिश है कि इनको गिरफ्तार किया जाए ताकि ये हमारा कोई मजीद नुकसान जानी या माली ना कर दें। मेरे पास ना धमकियों की वीडियोज हैं जो मैंने वसीम एसआई को सेंड की थी, दिखाई थी कि मेरी ये धमकियों की FIR भी दें, तो ये जो धमकियां दे रहे हैं इसका कुछ हजाला करें। तो उन्होंने मुझे वक्ती तौर पर टाल दिया था, अच्छा कुछ करते हैं, देते हैं FIR, ये करते हैं, वो करते हैं, वो भी 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं किया जी। बिल्कुल मजीद खतरा है, वीडियोस मेरे पास हैं, सबूत मेरे पास हैं, वीडियो मेरे पास हैं धमकियों की जी। मैं तो DPO साहब से यही कहता हूं कि ऐसे जो पुलिस ऑफिसर हैं इनको बिल्कुल नौकरी से ही हटा देना चाहिए, ऐसे ईमानदार अफिसर होने चाहिए जो लोगों को इंसाफ दिलवा सकें।